संपन्न हुआ नीतीश कैबिनेट का विस्तार। 6 नए चेहरे को मिली बिहार में नई जिम्मेदारी। कौन है वो 21 मंत्री जिन्होंने ली शपथ। बीजेपी और जदयू ने बिहार में कैबिनेट विस्तार में दिखाई साझेदारी। बिहार में नई सरकार के बनने के बाद हर किसी को बिहार कैबिनेट के विस्तार का इंतजार था। बीते दिन बिहार में नीतीश कैबिनेट के विस्तार का काम पूरा कर लिया गया। इस बार के नीतीश सरकार की कैबिनेट विस्तार को इसलिए भी महत्वपूर्ण बताया जा रहा है क्योंकि इसमें 6 नए चेहरों को मौका दिया गया और ये 6 नए चेहरे भाजपा कोटे से आते हैं। वहीं बिहार के नए कैबिनेट विस्तार में एक और चीज गौर करने वाली है कि जाति समीकरण पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिसमें सबसे ज्यादा राजपूत मंत्री बनाए गए। आज बिहार लोकसभा चुनाव की घोषणा होने वाली है, इससे ठीक कुछ घंटे पहले नीतीश कुमार के कैबिनेट की दूसरी बार विस्तार सूची संपन्न हुई। पटना स्थित राजभवन में राज्यपाल के मौजूदगी में सदस्यों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। लोकसभा चुनाव से पहले कैबिनेट विस्तार में बिहार की जातीय समीकरण का पूरा ध्यान रखा गया। इसमें 6 सवर्ण, 6 अनुसूचित जाति, 4 ओबीसी, 4 पिछड़ा वर्ग और मुस्लिम समुदाय के विधायक भी शामिल है। ऐसा करके नीतीश कुमार और बीजेपी ने एनडीए सरकार में मंत्री बनाकर सभी जाति समुदाय को अपना पक्ष रखने की कोशिश की है और बराबर का अधिकार देने का भी प्रयास किया है। यहां तक कि बिहार में सत्ता में वापसी के बाद आने वाले समय में दोबारा से पकड़ बनाए रखने के लिए बिहार में बीजेपी और जदयू एक साथ ध्यान केंद्रित करके लगी हुई है। नीतीश कुमार यानी कि मुख्यमंत्री से लेकर बनाए गए 2 मुख्यमंत्री तक जाति समीकरण का ध्यान रखा गया। नीतीश कुमार जहां खुद कुर्मी जाति के, वही सम्राट चौधरी कुशवाहा यानी कि कुर्मी जाति के हैं। कुर्मी और कोयरी जाति को एक साथ लाकर साफ संदेश दिया गया है कि बिहार में लव कुश एक साथ आ गए हैं। इसी तरह विजय कुमार सिन्हा को मुमियार जाति यानी कि सवर्ण जाति के तौर पर पद दिया गया, यानी कि पूरी तरह से एनडीए बिहार में जाति के आधार पर संतुलन बनाए रखने में सफल दिख रही है। नीतीश मंत्रिमंडल में 21 चेहरों को जो जगह मिली है उनमें रेणु देवी, मंगल पांडे, नीरज कुमार, बबलू अशोक चौधरी, लेसी सिंह, मदन सहनी, नीतीश मिश्रा, नितिन नवीन, दिलीप कुमार जायसवाल, महेश्वरी हजारी, शीला कुमारी मंडल, सुनील कुमार, जनक राम, हरी सहनी, कृष्णा नंदन पासवान, जयंत राज, जवा खान, रत्नेश सदा, केदार प्रसाद गुप्ता, सुरेंद्र मेहता और संतोष कुमार सिंह नए मंत्री बनाए गए। वहीं से पहले डीएम सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनके आवास पर मुलाकात भी की थी। बिहार की कैबिनेट विस्तार को बिहार में नई सरकार के गठन के ठीक 46 दिन बाद तैयार किया गया। भाजपा कोटे से संतोष सिंह ने मंत्री पद की शपथ ली और विधान परिषद के सदस्य बने। इनके अलावा सुरेंद्र मेहता मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं, जो कि बिहार कोटा से केदार गुप्ता ने भी इस मंत्री पद की शपथ ली है।